हिमाचल प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही पंचायती राज संस्थाओं में काम करने वाले अधिकारियों के ऊपर काम का दबाव और भी बढ़ गया है, क्योंकि इस बार के पंचायती राज चुनाव पिछली बार के पंचायती राज चुनावों से कुछ अलग होने वाले हैं। इस बार होने वाले पंचायती राज चुनावों में कुछ एक नई पंचायतों का भी गठन हुआ है, जिसके चलते वोटर लिस्ट और नए वार्डों को बनाने के लिए अधिकारियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। वहीं इस बार के पंचायती राज चुनाव कोविड-19 महामारी के बीच होने वाले हैं, जिससे सरकार और अधिकारियों की चिंता और भी बढ़ गई है। वहीं बिलासपुर जिला की पंचायत अधिकारी शशि बाला ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने जिले में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। पहले जिला में 151 पंचायतें हुआ करती थी, लेकिन 25 नई पंचायतें बनने के बाद अब इनकी संख्या 176 हो चुकी है। वहीं 117 पंचायतों की वोटर लिस्ट तैयार करके उनको प्रिंट भी करवाया जा चुका है। वहीं 59 ऐसी पंचायतें बची हैं जिनका तकनीकी खामी के कारण काम रुका हुआ है, लेकिन वह भी 18 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इस बार जिला में पंचायत वार्डों की भी बढ़ोतरी हुई है, जहां पिछली बार 1080 वार्ड थे, वहीं इस बार 1140 वार्ड हो चुके हैं और इनका परिसीमन भी कर लिया गया है। वहीं जिला पंचायत अधिकारी ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई ऐसा मतदाता रह गया हो जिसका किसी कारण से अभी तक मत नहीं बना है, तो वे नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तिथि से 9 दिन पहले तक अपना वोट जिला स्तर पर बना सकता है, जिसके लिए अभी तक उनके पास 60 के करीब आवेदन पत्र आ चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जो भी युवा 1 दिसंबर 2020 तक 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है, वे भी इस बार मतदान कर सकता है, जिसके लिए वे अपना वोट बनवाएं। नई पंचायतें हमारे डिस्ट्रिक्ट में 25 बनी हैं और अब ये मतलब पहले हमारी 151 थी, अब 176 हो गई है टोटल, और इन 176 में जो है चुनाव होने जा रहे हैं, तो इनके मैंने वार्डबंदी वगैरह भी कर ली है, इनके वोटर लिस्टों का काम भी चला हुआ है। इसमें ऐसा था कि कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से, मतलब पहले हमने 11 को करना था इनका फाइनल पब्लिकेशन, बट कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से हमारे जो है 30 पंचायतें बचती हैं, जो 18 दिसंबर को जो है उनका फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा वोटर लिस्ट में।